नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आगे वाले वीडियो में हमने देखा था कि पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, साथ में हमने ये भी देखा था कि वो क्यों हो जाता है। और मैंने आगे वाले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पार्किंसंस डिजीज कैसे पहचानेंगे कि मुझे पार्किंसंस हो गया है, और साथ में होम रेमेडीज कौन सी कर सकते हैं हम, उसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि जो पार्किंसंस डिजीज है उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए अभी तक ऐसा कोई टेस्ट ढूंढा ही नहीं गया है कि वो डायग्नोस हो सके। इसको आपको हिस्ट्री के द्वारा, सिम्टम्स के द्वारा यानी कि लक्षणों के द्वारा और साइंस के द्वारा ही पहचाना जा सकता है, और डॉक्टर्स लोग भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर इसके साथ कोई एक एसोसिएटेड डिजीज है यानी कि कोई साथ में दूसरा डिजीज है, तो आप उसको टेस्ट के द्वारा पहचान सकते हैं। तो इसलिए आपके डॉक्टर्स जो है आपके टेस्ट करवाते हैं, जो कि है ब्लड टेस्ट हो सकता है। ब्लड टेस्ट में आपको एट्रोफी के बारे में पता चलता है यानी कि मसल्स एट्रोफी है। साथ में जेनेटिक टेस्ट भी किया जाता है जिसमें ऐसा पता चलता है कि आपके जीन्स में कोई ऐसे पार्किंसंस डिजीज के जो होने चाहिए सूत्र वो तो नहीं है, तो वो पता चलता है। साथ में एक डेट स्कैन नाम का जो ब्रेन टेस्ट है वो होता है। उसमें क्या होता है कि आप जान सकते हैं कि आपके ब्रेन में कितना डोपामाइन लेवल है, तो उसके द्वारा भी आप पहचान सकते हैं कि पार्किंसंस होने के चांसेस कितने हैं। नेक्स्ट देखें तो एमआरआई करवाते हैं आपके डॉक्टर्स आपको अगर ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर या फिर हाइड्रोसिफेलस है, वो जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर्स करवा सकते हैं और इसमें से काफ़ी सारी जानकारियाँ डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी आप होम रेमेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका जो नर्व है वो डैमेज हुआ है, आपका जो नर्व है वो अफेक्ट होता है, तो आपको फिजियोथेरेपी करना चाहिए यानी कि फिजिकली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एक्सरसाइज करवाएं तो आपको काफ़ी फायदा होगा। नेक्स्ट देखें तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप काफ़ी सारे डिजीज ठीक कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, तो कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप फाइबर वाला डाइट खाएं। साथ में आपको चलने में दिक्कत हो रही हो तो आप स्टिक का इस्तेमाल करें यानी कि छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप चलने वाली। नेक्स्ट देखें तो आपको, आप अगर उदास बहुत रह रहे, डिप्रेशन में बहुत चले गए, तो आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, आपको हमेशा खुश रहना है, तो उससे क्या होगा, आपको डिजीज को ठीक होने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखें तो गर्म और ठंडी जो चीज़ें होती है उन दोनों को अलग अलग खाएं, यानी कि एक साथ या फिर आगे पीछे दोनों चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। नेक्स्ट देखें तो तला हुआ, ज़्यादा नमक वाला या फिर ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं, उससे आपको डिजीज ठीक होने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखें तो आपको, आप ऐसा सोचना बिल्कुल ही बंद कर दें कि आप बहुत खराब स्थिति में आ गए हैं, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते, ऐसा सोचना बिल्कुल ही बंद कर दें। हमेशा पॉजिटिव सोचें, हमेशा खुश रहें। नेक्स्ट देखें तो आप अपना डोपामिन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि आपको जो काम करने से खुशी मिलती है, जो काम आपको बार बार करने का मन करता है, वो काम करें, उससे आपके ब्रेन में डोपामिन लेवल बढ़ेगा और आपका डिजीज ठीक होने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखें तो बच्चों के साथ खेलें, नेचर में रहें, पेट के साथ खेलें, ताकि आप हमेशा खुश रहेंगे। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, ऐसे फूड खाएं जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो, आयरन ज़्यादा हो और फैटी एसिड ज़्यादा हो, और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड खास करके ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें खाएं। तो ऐसी चीज़ों से आपके, आपका जो डोपामिन लेवल है वो बढ़ता है और आपको पार्किंसंस डिजीज ठीक करने में मदद मिलती है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।